आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ चटपटे करारे रोस्टेड पोटैटो की रेसिपी। ये जो आलू हैं वो मैंने माइक्रोवेव में बनाए हैं बहुत ही इजी वे में, तो ज़रूर बनाइएगा आप भी मेरे साथ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे नई नई रेसिपीज आपके पास आती रहें। रेस्टोरेंट ऑन योर टेबल बाय स्वाति में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने लिए हैं आधा किलो छोटे वाले आलू जिन्हें बेबी पोटैटो कहते हैं। ये लाल रंग के हैं, आपके एरिया में जो आलू आता है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बड़े आलू से भी बना सकते हैं। पहले आलू को एक गिलास पानी और थोड़े से नमक के साथ उबाल लेते हैं। नमक डालने से नमक आलू के अंदर तक आ जाएगा, इसलिए मैंने नमक ऐड किया है। आलू उबालने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद इसे कट करना है। बड़े आलू हैं तो 4 से 8 पीस कर लीजिए, छोटे हैं तो 2 से 3 पीस कर लीजिए। जो जितना भी आप साइज़ रखना चाहते हैं उस तरीके से आप इसको कट कर लीजिए। आलू हमने सारे काट लिए हैं। काटने के बाद हमें इसमें सीजनिंग करनी है, थोड़े से मैरिनेशन करना है, तो हमें कुछ मसाले इसमें ऐड करने होंगे। तो सबसे पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लीजिए। नमक के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा के साथ जो ऑर्गेनो आती है ना सीजनिंग, उसे तो लगभग मैंने 3 पैकेट ऐड किए हैं, तो ये हो जाएगा 1 से 1.5 छोटे चम्मच सीजनिंग हो जाएगी। इसको ऐड करने के बाद तीखा टेस्ट देने के लिए हमें लाल मिर्च ऐड करनी होगी, तो 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करिए और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और इसके साथ 1 छोटा चम्मच आपको ऐड करना होगा चाट मसाला। ये तीनों चीज़ें ऐड करनी होंगी। आप सोच रहे होंगे लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर क्यों, दोनों का टेस्ट अलग होता है, इसलिए ज़रूर ऐड करिएगा। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और चाट मसाला 1 छोटा चम्मच ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी मैंने ऐड की है और 2 छोटे चम्मच कुकिंग ऑयल, जो भी आप तेल इस्तेमाल करते हो। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। फ्लेवर को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए अगर आप लहसुन इस्तेमाल करना चाहे तब, तो इसमें 1 छोटा चम्मच हम गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तब आप इसमें 4-5 लहसुन की कलियां क्रश करके या कद्दूकस करके ऐड कर सकते हैं। अगर आप गार्लिक नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। 15-20 मिनट आलू को रेस्ट करने के बाद बेकिंग ट्रे को अच्छे से तेल या घी से ग्रीस कर लीजिए। सारे आलू इसमें निकाल दीजिए। मैं इसको बनाऊंगी एलची चारकोल माइक्रोवेव में। अगर आपके पास वो माइक्रोवेव नहीं है तो 200 डिग्री प्रीहीट माइक्रोवेव पे इसको 16 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। अब चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ। इन चारकोल इंडियन कुजीन मैंने सेलेक्ट किया, उसमें 1 नंबर सेलेक्ट करने के बाद इसको 1/3 पे हमें कुक करना होगा। ये वाइट बुक में सारा मेजरमेंट और सारा मेथड लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। लो रैक पे रखने के बाद हमें आलू की क्वांटिटी लेनी है, तो मैंने इसमें लिया है 300 ग्राम आलू की क्वांटिटी और ऑटोमेटिक स्टार्ट करने के बाद ये 16 मिनट के लिए बेक होगा। मैंने थोड़े आलू निकाल लिए थे इसलिए मैंने इसको 300 ग्राम में बेक किया है। आपके अगर 500 हैं तो आप वेट को बढ़ा लीजिए और ऑटोमेटिक टाइम सिलेक्ट हो जाएगा। और 16 मिनट बाद हमारे करारे लाजवाब ये आलू तैयार है एलजी चारकोल माइक्रोवेव में। अगर एलजी चारकोल माइक्रोवेव का रिव्यू आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए उसका वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप ये आलू ज़रूर बनाइएगा। बाय बाय।